बबलू अपनी सब्जी का ठेला लिए सड़क से गुजर ही रहा था कि एक कार वाला तेज स्पीड से टक्कर मारकर भाग जाता है, जिससे बबलू की आधी सब्जियां खराब हो जाती हैं और उसके पैर में काफी गहरी चोट आती है। आसपास के लोग उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, फिर घर ले जाते हैं। अपने बेटे की ये हालत देखकर सुधा कहती है, अरे बेटा क्या हुआ तुझे, तेरे पैरों में इतनी पट्टी क्यों बंधी है, अरे कोई तो बताओ, अरे जानवी जल्दी से पानी लेकर आ। आई माँ जी। माँ आपको तो पता है अमीर लोग कैसे होते हैं, उन्हें गरीब लोगों का न ठेला दिखता है न उनका दिल, बस रोंदते हुए चले जाते हैं। तभी जानवी रसोई से पानी लाती है तो अपने पति की ये दशा देखकर उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और रोते हुए वो कहती है, बल्लू जी आपको क्या हुआ, किसने आपकी ये हालत की, नरक में जाए वो इंसान, अपने आप को समझते क्या है, दूसरों को चोट पहुंचाकर भाग जाते हैं। जानवी अब छोड़ो कोई बात नहीं, अरे जो होना था सो हो गया, मेरे ठेले की आधी सब्जियां खराब हो गई, जो बची कुची है वो अंदर रख लो, हमारे काम आ जाएंगी, क्योंकि अब मैं मंडी नहीं जा पाऊंगा बेचने। बेटा ऐसा मत कर, कुछ दिन की बात है तो फिर से चलने फिरने लगेगा तो काम भी करेगा, कुछ वक्त के लिए हम ही कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। कुछ दिन तक जानवी अपने पति का ख्याल रखती है, उसे वक्त पर दवाई देती है और पैरों की मरहम पट्टी करती रहती है, और एक दिन कहती है, माँ जी हम कब तक ऐसे घर में रहेंगे, घर में अब गिने चुने पैसे ही बचे हैं जिससे हम गुजारा चला सकते हैं, आलू टमाटर की एक बोरी पड़ी है, क्यों ना हम इन्हीं सब्जियों को बेचने चले। हाँ बहू तूने ठीक कहा। माँ आप दोनों परेशान मत हो, ऐसे में मैं भी मंडी में जाकर बैठ जाऊंगा, बैठ कर ही तो सब्जियां बेचनी है। नहीं बल्लू जी आप जब तक ठीक नहीं हो जाते आराम कीजिए, हम सास बहू मिलकर भी घर की देखभाल कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक बोला मेरी बहू ने, और तू घर पर अपना ध्यान रखना। ये कहकर ही दोनों सास बहू अपने बेटे के ठेले पर सब्जियों को सजा कर मंडी के लिए निकल जाती हैं और बेचने लगती हैं। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, ताजे टमाटर ताजे आलू ले लो 20 रुपए 30 रुपए किलो ले लो। आइए आइए कहीं टमाटर खत्म ना हो जाए, जल्दी आकर सब्जी ले लीजिए। ये सब्जी कितने की दी है दीदी? 20 रुपए किलो। रहने दो नहीं चाहिए। अरे बेटा ले लो ताजे ताजे हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा दे रही हो। ऐसा कहकर वो ग्राहक चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, बस 4-5 ग्राहक ही उससे सब्जियां लेकर जाते हैं, बाकी उनकी सब्जी ठेले पर बची ही रहती है। 4 दिन बीत जाते हैं, उन सास बहू की सब्जी कुछ खास नहीं बिकती। शाम को ठेला लिए जब वो वापस आती हैं तो सुधा की नजर पनवाड़ी पर पड़ती है और वो कहती है, देख देख बहू इस पनवाड़ी की दुकान पर कितनी भीड़ जमा है, और जिस रास्ते से आए हैं ना हम उन दोनों पनवाड़ी की दुकान पर भी बहुत भीड़ थी, आखिर ये ऐसा क्या बेचते हैं जो पनवाड़ियों पर इतनी भीड़ होती है। अरे माँ जी आपको तो पता है आदमी लोग घर में एक दिन सब्जी लेकर जाएं या ना जाएं, पर दिन में 2-3 बार गुटखा पान जरूर खाते हैं, गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये भाई सब बिकता है, इस पर तो बिक्री तो होनी ही है। आइडिया बहू, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम भी इसी की दुकान लगा ले। अरे माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, छी 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 हम गुटखा तंबाकू थोड़े ना बेचेंगे, कितने सारे आदमी आते हैं खरीदने। ओहो बहू मैंने तुझे बीड़ी तंबाकू सिगरेट बेचने को नहीं बोला, अरे हम तो पान बनाकर बेचेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। वाह माँ जी ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, इसे भी तो बहुत सारे लोग खाते हैं। तो चल इसका सामान जुटा लेते हैं, हम गरीब लोगों के लिए इससे बेहतर आमदनी शायद ही किसी और से होगी। मैं तो कहती हूँ माँ जी हम ऐसा पान बेचेंगे कि बच्चे औरतें बड़े बूढ़े सब खाएंगे, जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट का पान, बड़ों के लिए फायर पान, औरतों के लिए मीठा पान, अलग अलग तरह का। अरे बहू ये तो तूने सही फरमाया, इससे तो और लोग आएंगे क्योंकि हमारे जैसा पान वहाँ कोई बेच नहीं पाएगा। दोनों सास बहू बबलू को पान बेचने का फैसला बताकर पान बेचने का सामान ले आती हैं, जो भी जरूरी चीज कत्था चूना चाहिए था। सब्जी के ठेले को ही वो पान बेचने का ठेला बना लेती हैं और दोनों सास बहू चौराहे पर जाकर पान बनाने लगती हैं और कहती हैं, आइए आइए
पान खाइए, मीठा पान, फायर पान, आइस पान, चेरी पान, मैंगो पान, स्ट्रॉबेरी पान, चॉकलेट पान, हमारे यहाँ है अलग अलग तरह के पान। आओ आओ सभी लोग आओ, तरह तरह के पान खाओ, बेहद सस्ता है, 10 रुपए 10 रुपए। अरे बच्चों चीज खाओगे? चॉकलेट वाला पान बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। जानवी की बात सुनकर 8 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ जा रहा था रुक जाता है और अपनी माँ से जिद करता है। माँ माँ मुझे वो चॉकलेट पान खाना है। आंटी बोल रही हैं वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पान है, चलो ना माँ खिला दो। अरे नहीं बेटा, पान गंदी चीज होती है, कुछ नहीं होता चॉकलेट पान। अरे बहन जी ऐसे मत करिए, हमने खास बच्चों के लिए चॉकलेट पान बनाया है, उसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आप भी खाकर देख लीजिए, आपके लिए मैंगो पान और भी फ्लेवर के पान है, वो आपको जरूर पसंद आएंगे। हाँ बेटा एक बार मौका तो दो। ठीक है तो फिर खिला दीजिए। ये कहते ही जानवी उसे और उसके बच्चे को चॉकलेट पान बनाकर खिलाती है, जिसे खाते ही दोनों को बेहद पसंद आता है और वो एक और मांग कर खाती है। अरे माँ वाह वाह, ये चॉकलेट पान तो बहुत अच्छा है, माँ मुझे एक और चाहिए। अरे इस बार आप दूसरी फ्लेवर का पान देना, मेरे बच्चे को मैंगो और मुझे फायर पान। जी जरूर। इस तरह जानवी उन्हें और पान खिलाती है। इसी के बाद और लोग पान खाने आते हैं, जिन्हें अलग अलग तरह के पान बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह आंटी, आपका पान तो काफी लाजवाब है, खाने में ऐसा तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं खाया। ऐसा कीजिए आप 6 पान अलग अलग तरह के बना दीजिए, मैं घर पर सबको खिलाऊंगी। अभी बनाती हूँ बेटा। सुधा उसके 6 पान बनाकर दे देती है। ये लीजिए पैसे। शुक्रिया बेटा, आते रहना। सुनिए जरा मुझे फायर पान खिलाना। ये लीजिए आपका फायर पान। तभी मोहित फायर पान खाता है, उसे देखकर आसपास के लोग आकर्षित होकर और आते हैं और फायर पान की सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं। देखते ही देखते सास बहू की पान बेचने की दुकान जोर शोर से चल पड़ती है। 3 महीने कब बीत जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। पैसे इतनी तेजी से आते हैं कि वो ठेले से एक दुकान बना लेती है जहाँ वो पान बेचती है। रोज के सुबह से शाम तक 400 ग्राहक उससे पान खाया ही करते थे। तभी पान बनाते हुए जानवी कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने शुरुआत इतने छोटे से की थी और देखते ही देखते आज इस बड़ी दुकान के हम मालिक हैं और अब तो उनके पैर भी ठीक हो रहे हैं। सही कहा बेटा तूने, कल मुझे कमला ने बताया कि उसका बेटा इतनी दूर से सिर्फ मेरे पान खाने आया है, वो बस अब आना ही वाला है। अरे सुधा आंटी नमस्ते, माँ से मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी, अब जल्दी से आप मुझे अपनी दुकान का फेमस पान खिला दीजिए। अभी खिलाती हूँ बेटा। ये कहते ही सुधा उसे 2 पान खिलाती है। खाते ही नमन कहता है, अरे अरे वाह आंटी, सच में आप बहुत अच्छे बनाती हैं पान, वैसे आपको ये बेचने का ख्याल कैसे आया? बस बेटा बल्लू की हालत ऐसी खराब हुई कि वो काम नहीं कर पाया, तो हम दोनों ने घर चलाने के बारे में सोच लिया और पान बेचने लगे। सही है आंटी, आप 10-12 पान बना दीजिए, मैं अपने दोस्तों को खिलाना चाहता हूँ और मेरे एक दोस्त की शादी है तो उसकी शादी में आपको ऐसे ही पान रखना है, मैं आपको ऑर्डर दिलवा दूंगा। शुक्रिया बेटा, अभी बनाती हूँ। ये कहते ही जानवी उसे पान बनाकर दे देती है। बात हैरानी की थी, लेकिन वक्त के साथ सास बहू पान बेचकर लाखों कमाते थे, जिससे उन्होंने धीरे धीरे अपना बड़ा सा घर बना लिया, साथ ही बेटे का नया कारोबार खुल जाता है और दोनों सास बहू अपनी दुकान पर पान बनाने के लिए 2 कारीगर भी रख देती हैं। अब सिर्फ वो मालकिन बनकर अपनी पान की दुकान पर बैठा करती थी। सास की किन्नर बहू। आयशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अर्जुन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम मेरी हकीकत के बारे में जानते हो, तुम्हें आगे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूंगा, क्या तुम मेरा साथ निभाने के लिए तैयार हो? आयशा रोने लगती है और रोते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन एक बार और सोच लो, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे शादी करके कोई पछतावा हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी सच्चाई से कोई परेशानी नहीं है,
चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अर्जुन आयशा का हाथ पकड़कर उसे मंदिर में ले जाता है, जिसके बाद वो मंदिर में आयशा की मांग भर देता है और भगवान के सामने सातों वचनों का वादा करता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इन सातों वचनों का वादा मरते दम तक निभाता रहूंगा। ऐसा सुनकर आयशा को बहुत खुशी मिलती है और वो अर्जुन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अर्जुन आयशा को अपने घर ले जाता है। जैसे अर्जुन की माँ कौशल्या आयशा को देखती है, वो गुस्से से अर्जुन से कहती है, अरे ये तो वही किन्नर है जो हमारे इलाके के रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगती है। तू इस किन्नर से शादी करके आया है? अरे तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? नहीं माँ, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ। आज से आयशा आपकी बहू है, हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। अर्जुन तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू एक किन्नर से शादी कैसे कर सकता है? जल्दी जा और इसे अभी के अभी इसके घर छोड़ कर आ, मैं इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकती। माँ अगर आयशा के लिए इस घर के अंदर कोई जगह नहीं है तो मैं भी इस घर के अंदर नहीं रहूंगा। जहाँ आयशा रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। कौशल्या को न चाहते हुए भी आयशा को घर में लेकर आना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो अर्जुन घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, आयशा घर के सभी कामों को कर लेती है और सबके लिए नाश्ता बना लेती है, जिसके बाद वो नाश्ता बनाकर नाश्ते की टेबल पर लगा देती है और सबको नाश्ते के लिए बुलाती है। इतना अच्छा नाश्ता देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है और आयशा से कहता है, अरे आयशा तुमने तो कमाल कर दिया, हाँ तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तभी वहां पर कौशल्या पहुंचती है और खाना देखकर कहती है, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की? मेरी पूरी रसोई तूने अपशगुन कर दी। लेकिन माँ जी मैंने तो केवल रसोई में खाना ही बनाया है, इसमें रसोई अपशगुन कैसे हो सकती है? अरे तू एक किन्नर है, अभी तो मेरी रसोई अपशगुन हो गई है, लेकिन याद रखना तू मेरी रसोई में दोबारा नहीं घुसना। ऐसा कहकर कौशल्या वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन आयशा से कहता है, अरे मेरी आयशा मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, जरा वो मुझसे नाराज हैं इसलिए तुम्हें उल्टा सीधा कह रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर देंगी। मैंने आपको कहा था कि कोई भी हमारे इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगा, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आयशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता, और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हें इस समाज के साथ साथ इस घर में भी इज्जत जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर अर्जुन अपने काम पर निकल जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कौशल्या आयशा को खरी खोटी सुनाती रहती है, जिसकी वजह से आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतनी बातें सुनने की वजह से एक दिन आयशा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में बिस्तर के अंदर ही पड़ी रहती है। तभी घर की नौकरानी कौशल्या के पास आती है और उससे कहती है, अरे भौजाई दीदी को बहुत ज्यादा बुखार आ गया है, जरा उन्हें डॉक्टर को दिखा लाओ। क्या कहा, उस किन्नर को बुखार आया है, इसका मतलब उसके मरने के दिन आ गए हैं। अरे चलो अच्छा है, मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा, ये तो खुशी की बात है। भौजाई आप ये कैसी बातें कर रही हो, वो अभी तो एक औरत है, अगर आप एक औरत का दर्द नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अरे वो औरत नहीं, वो तो एक किन्नर है। अब जा, मेरा दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दे। बेचारी आयशा बुखार में पड़ी रहती है, लेकिन कौशल्या उसको एक बार भी नहीं देखती। जब शाम को अर्जुन काम पर से वापस आता है तो आयशा की ये हालत देखकर वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जिसके बाद उसे दवाई दिलवाता है और कुछ ही दिनों में दवाई खाकर आयशा ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद आयशा घर के काम दोबारा से करना शुरू कर देती है। उसे काम करता हुआ देख कौशल्या उससे कहती है, करम जली कहीं की, पता नहीं कैसे बच गई, इससे अच्छा होता कि मर जाती, कम से कम मुझे इससे छुटकारा तो मिल जाता। आयशा ये सब सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो अर्जुन के बारे में सोचकर चुपचाप काम करती रहती है।
ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से कौशल्या चक्कर खाकर गिर जाती है। उस दिन घर पर कोई नहीं होता और आयशा यह देखकर तुरंत कौशल्या के पास जाती है और उसे उठाकर किसी तरह बिस्तर पर लेटा देती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, आप बस आराम कीजिए। आयशा कौशल्या के हाथ पैर दबाती रहती है और उसकी बहुत सेवा करती है, जिसके बाद डॉक्टर कौशल्या का चेकअप करने के लिए पहुंच जाते हैं। चेकअप करने के बाद कौशल्या कुछ दवाइयां लिखकर आयशा को दे देते हैं। आयशा तुरंत जाकर उन दवाइयों को लेकर आती है और अपनी सास कौशल्या को खिला देती है, जिसके बाद कौशल्या अगले दिन सुबह तक ठीक हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बेटे अर्जुन को अपने सामने देखती है। अरे बेटा, तूने तो आज मुझे मरते मरते बचा लिया, अगर तू ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब अर्जुन ये सुनता है तो वो अपनी माँ को हकीकत बताता है कि कैसे आयशा ने उसकी बीमारी में उसकी मदद की और उसको मौत के कुएं से बाहर निकाला। ये सुनने के बाद कौशल्या को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत आयशा को बुलाती है और उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुझे हमेशा बुरा भला कहती रही। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आप तो मेरी माँ जैसी हो। आपने मुझे बहुत स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से कौशल्या आयशा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे एक बहू का दर्जा भी देती है। गरीब वर्सेस अमीर सास बहू की नवरात्रि। बेचारी गरीब परिवार की मोना घर का खर्च चलाने के लिए कविता नाम की अमीर सास बहू के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन कविता उससे कहती है, अरे ओ कामचोर निकम्मी, ये तूने कैसी सफाई की है? इस टाइल पर इतनी गंदगी लगी है, साफ कर, अभी मैं फिसल जाती तो। माफ कीजिए मालकिन, अभी करती हूँ साफ। और इतने अच्छे से साफ करना कि मेरी शक्ल उन टाइलों में दिखे, फिर माँ जी को बादाम का दूध दे देना। जी मालकिन। मोना रगड़ रगड़ कर उस टाइल को साफ करने लगती है। झाड़ू पोछा के बाद उसकी सास शनाया को दूध देने जाती है। बड़ी मालकिन, ये लीजिए बादाम का दूध। वैसे तूने तो कभी बादाम का दूध नहीं पिया होगा ना? खैर, तेरे घर में तो दूध भी नहीं होगा, तू इतनी गरीब है, बादाम तो बहुत दूर की बात है। हाँ मालकिन, आपने सही कहा, हमारे घर में इंसान दो वक्त की रोटी खा ले वही बहुत है। शुक्र है हम इतने अमीर हैं, तुम लोगों की तरह खाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। बड़ी मालकिन, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। वो कल नवरात्रि है ना, तो माता की स्थापना करने के लिए पूजा का कुछ सामान लाना था, तो आप मुझे कुछ पैसे तारीख से पहले दे देंगी? अरे हम भूल कैसे गए, नवरात्रि है कल से, मुझे भी तो सब तैयारी करनी होगी ना। इस बहू ने भी मुझे याद नहीं दिलाया, तुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा समझी, जिस तारीख को पैसे मिलते हैं तभी मिलेंगे, जा जाकर काम कर। जी बड़ी मालकिन। दुखी मन से उसकी बात सुनकर घर के काम खत्म करके शाम को अपने घर आ जाती है, जहां उसका बीमार पति सुरेश बिस्तर पर था और सास बबीता चूल्हा जला रही थी। अरे बहू तू आ गई, देख तो ये चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। माँ जी आप खाना बनाने जा रही थी? क्यों माँ जी, मैं आ तो गई थी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे लगा तू लेट हो जाएगी आते आते, इसीलिए मैं खाना बनाने बैठ गई थी। अपनी सास को हटाकर मोना खुद खाना बनाती है, फिर सब साथ में बैठकर चटाई पर खाना खाते हैं। तभी बबीता कहती है, बहू तूने अपनी मालकिन से कुछ पैसे मांगे? कल माता रानी के लिए नारियल चुनरी और श्रृंगार का सामान लाना है, वरना स्थापना कैसे होगी? माँ जी मैंने पैसे मांगे थे पर उन्होंने इनकार कर दिया, वो तभी देंगे जब तनख्वाह की तारीख आएगी। अब हम कैसे करेंगे माता रानी की स्थापना? माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, माता रानी है ना। अरे मोरा तुम भूल गई, तुम चावल के डिब्बे में रोज 5-5 रुपए मुझसे लेकर डालती थी, जरा चेक करो, क्या पता आज वो पैसे काम आ जाएं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। मोना उस चावल के डिब्बे को खाली करती है तो उसमें से सिर्फ 20 रुपए निकलते हैं, जिसे देखकर वो कहती है,
अरे सुरेश जी, सासू माँ, इतने पैसे से सिर्फ नारियल ही आ पाएगा, माता की चुनरी और फल कैसे आएंगे? बेटा, अब हम इतने गरीब हैं कि माता रानी के लिए सिंगार भी नहीं ला सकते। अब जो भी है इसी से ही हम स्थापना करेंगे। अगले दिन मोना माता रानी की प्रतिमा के आगे कलश पर नारियल रख देती है और अपनी साड़ी का टुकड़ा काट कर माता रानी की चुन्नी बना देती है और भोग में चीनी रख देती है। तीनों माता रानी की आरती करते हैं। ओ दुर्गा मैया के भवन में घुटन मन खेले लांगुरिया, खेले लांगुरिया के दौड़े दौड़े लांगुरिया। दुर्गा मैया के भवन में घुटमन खेले लांगुरिया, दुर्गे मैया की जय, लांगुर वीर की जय। शेरा वालिदा बोलो साचे दरबार की जय। ही दुर्गा मैया, हम गरीब से आपके लिए जैसा बन पाया हमने वैसा कर दिया। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपका विस्मरण करते हैं। आप इस मिश्री को ही भोग समझकर स्वीकार कीजिए। मोना, तुम फिकर मत करो, मैया हमारी श्रद्धा से जरूर प्रसन्न होंगी। भले ही हम पर अमीरों की तरह हर चीज ना हो, पर हमारा श्रद्धा भाव हमारी दुर्गा मैया के लिए काफी है। बेटा, घर में राशन तो है नहीं, तो हम तीनों 9 दिन तक माता रानी के लिए उपवास रखेंगे, सिर्फ पानी पीकर व्रत करेंगे। ठीक है माँ। इस तरह से 9 दिन तक मोना का परिवार माता रानी के लिए उपवास रखता है। पूजा पाठ करके मोना अपने मालकिन के घर चली जाती है, जहाँ वो कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे पता नहीं है क्या, आज पहला नवरात्र है, जल्दी आना था ना। अब जल्दी से माता रानी की मूर्ति को चमका दी और ये सोने की मूर्ति भी वहीं रख दियो, सारी पूजा की तैयारी हो जानी चाहिए। जी मालकिन, सब हो जाएगा। अर्चन, माता रानी की मूर्ति को छूने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो ले, कहीं तेरे गंदे हाथों से मूर्ति अपवित्र हो जाए। बड़ी मालकिन, आप कैसी बातें कर रही हैं? माता रानी के प्रति मेरा मन बहुत पवित्र है। अब तू मुझे ज्यादा मत सिखा। ये कहते ही अपने हाथ धोने के बाद मोना माता रानी की मूर्ति को साफ करके उनकी चौकी लगाती है और उनका श्रृंगार करने के बाद उनके पास फल रखकर कहती है, काश माता रानी मैं भी इसी तरह आपको अपने घर में स्थापित कर पाती, पर मैं गरीब क्या ही कर सकती हूँ। सुन, सारा काम हो गया हो तो माता के मंदिर में लाइटें भी लगा दी और पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी। जी मालकिन। इस तरह भूखी प्यासी मोना घर के सारे काम करती है। वहीं अमीर घमंडी सास बहू भी व्रत रखती हैं, लेकिन साथ ही महंगे महंगे व्रत के कुट्टू के आटे और शुद्ध देसी घी में फल मेवे और पूड़ियां खाती हैं। तभी कविता कहती है, अरे मोना जल्दी से पूड़ी तल कर ला, मुझे और भूख लगी है, और जूस भी ला। और मेरे लिए दही और व्रत के लड्डू ला, सुबह से उपवास रखकर हालत खराब हो गई। ये लीजिए मालकिन। बड़ी मालकिन, आपका लड्डू। मालकिन, शाम के 6 बज गए हैं, मैं घर जाऊं, माता रानी की आरती भी करनी है। इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी, अभी व्रत का और खाना बना। कविता की बात सुनकर मोना जल्दी से व्रत का और खाना बनाती है। फिर घर आकर तीनों मिलकर दुर्गा मैया की पूजा करते हैं और पानी पीकर सो जाया करते थे। इस तरह मोना का गरीब परिवार माता रानी की सेवा भक्ति करते हुए 8 दिन बीत जाते हैं। वहीं वो अमीर सास बहू 8 दिन तक उपवास में बढ़िया बढ़िया व्रत का खाना खाकर व्रत रखते हैं। तभी सुबह मोना कहती है, माँ जी कल कंचिका है, हम बच्चों को हलवा पूरी कैसे खिलाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। बेटा, माता रानी हमारे हालात से वाकिफ हैं, तो घर में जो भी कुछ बचा कुचा है वही कन्याओं को खिला देंगे। ठीक है माँ जी, पहले मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ, वो मुझे जल्दी भेज देंगे आज। ये कहकर मोना वहाँ चली जाती है। कविता ने अमीर परिवार की कन्याओं को अपने घर बुलाया था और मोना से खाना परोसवा कर उन बच्चों को महंगे तोहफे और शुद्ध घी में बनी हलवा पूड़ी चने खिलाती है। साथ ही सभी बच्चों को 500-500 के नोट देती है। तभी ताना देकर कविता मोना से कहती है, देखो हमने कितने बढ़िया तरीके से सभी कन्याओं को कंजक खिलाया, तुमने तो बच्चों को इतने पैसे कभी दिए ही नहीं होंगे। नहीं मालकिन, हमारी इतनी हैसियत कहाँ। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा करके मुझे भी खाना खिला दीजिए, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। आए हाय, लड़की के पास इतनी बदबू आ रही है, भिखारी चली जाए यहाँ से, खाना नहीं खिलाएंगे।
आप कन्याओं को खिला रही हैं, मुझे भी खिला दीजिए फिर। तभी शनाया धक्का मार के उसे भगा देती है तो मोना कहती है, बड़ी मालकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो भी तो कन्या है ना। अब तू हमें सिखाएगी क्या? मालकिन मैं अपने घर इस लड़की को ले जा रही हूँ खाना खिलाने के लिए। हाँ हाँ जा ले जाए इसे। कविता उस लड़की को अपने साथ ले जाती है, साथ ही मंदिर के किनारे भूखी प्यासी बैठी छोटी छोटी कन्याओं को भी वो अपने घर ले जाती है। और बबीता कहती है, अच्छा हुआ बहू जो तू 9 कन्याओं को ले आई। हाँ माँ जी आइए पूजा शुरू करते हैं। तभी दोनों सास बहू कन्याओं को बुलाकर उनके पैरों में तिलक करती हैं, फिर दुर्गा माता की आरती गाती हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। घर में जो भी खाना होता है सरसों के तेल से बना था, वो सारा खाना 9 कन्याओं को खिला देती है तो मोना कहती है, बच्चों क्या तुम सभी ने अच्छे से पेट भर लिया और खाना चाहिए क्या तुम्हें? नहीं आंटी हमारा पेट भी भर गया, आपने इतने अच्छे से खिलाया है। तभी वो 9 कन्याएं एकत्रित होकर देवी मैया का रूप ले लेती हैं और कहती हैं, पुत्री मैं तुम सभी की श्रद्धा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, सभी ने निष्फल होकर मेरी आराधना की, इसीलिए मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करती हूँ। अब से तुम सुख के दिन जियोगे, बहुत दुख के दिन काट लिए। शुक्रिया माता हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। माता रानी के कहते ही उनके दाहिने हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे उनका घर कपड़े और सेहत सब अच्छा हो जाता है। साथ ही कविता और शनाया का घमंड उन्हें कंगाल बनाकर रोड पर ले आता है। इसलिए कहते हैं कि पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। बिलासपुर गांव में ऋतु अपने पति राज के साथ रहती थी। वो लोग ना तो ज्यादा अमीर थे और ना ही गरीब। राज इतना कमाता था कि हर रोज उसका घर चल जाता। देखते ही देखते अब ऋतु प्रेग्नेंट हो जाती है। ऋतु ये खुशी अपने पति राज को बताना चाहती थी। शाम को राज घर आता है और हाथ पैर धोकर जैसे ही बैठता है कि तभी ऋतु वहां आती है और उससे बोलती है, राज मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है और खुशी से ऋतु को अपनी गोद में उठा लेता है और झूमते हुए उससे बोलता है, ऋतु तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी, अब जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तब हमारी सारी कठिनाई और परेशानी को दूर कर देगा। अच्छा जी भला वो कैसी? देखो अगर हमारा लड़का हुआ तो हमें तो किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर लड़की हुई तो? अरे यार लड़की का नाम मत लो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। इतना कहकर राज खाना खाने लगता है और खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। देखते ही देखते अब 9 महीने बीत जाते हैं और इस तरह ऋतु को एक सुंदर सी लड़की हो जाती है। ये बात जब राज को पता चलती है तब वो खुद से बोलता है, हे भगवान पता नहीं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैंने तो सोचा था कि एक लड़का होगा और वो लड़का हमें इस गरीबी से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पर तो एक मनहूस पैदा हो गई, अब इसको भी झेलना पड़ेगा। इस तरह राज अपनी बेटी मीनू से नफरत करने लगा क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। वो आए दिन अपने काम पर से आता और अपना खाना खाकर सो जाता। वो अपनी पत्नी से बात करता लेकिन अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं। देखते ही देखते अब 4 साल गुजर जाते हैं। मीनू 4 साल की हो गई थी लेकिन आज तक उसे अपने पिताजी का प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ ऋतु एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात फिर से वो अपने पति राज को बोलती है, राज मैं एक बार फिर आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आप एक बार फिर पिता बनने वाले हैं राज। ऋतु की ये बात सुनकर राज को खुशी तो होती है लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और अपनी पत्नी से बोलता है, ऋतु ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बार फिर माँ बनने वाली हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे लड़की नहीं चाहिए, इस बार तुम लड़का ही देना प्लीज। उसकी ये बात सुनकर ऋतु कुछ नहीं बोलती और राज अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। राज अब अपनी ड्यूटी करता, वहीं दूसरी तरफ ऋतु अपनी बेटी मीनू को संभालने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखती। ऐसे ही एक बार
9 महीने बीत जाते हैं और इस बार उसे एक बेटा होता है। जब ये बात राज को पता चलती है तो वो फूले नहीं समाता और खुशी से झूम उठता है। वो अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर नाचने लगता है और अपनी पत्नी से बोलता है, ऋतु तुमने मुझे बेटा देकर बहुत खुशी पहुंचाई है, मांगो तुम्हें क्या मांगना है, आज तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। राज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस राज तुम मीनू को एक पिता का प्यार दे दो, वो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है। वो मुझसे हमेशा पूछती है, माँ पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं करते, लेकिन मैं उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना देकर उसके सवालों को काट देती हूँ। राज उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने बेटे को गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। ऋतु ये समझ जाती है कि वो अपनी बेटी को प्यार नहीं देगा और बेचारी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को पकड़ लेती है। उसी रात जब ऋतु अपनी बेटी मीनू और अपने बेटे रोहन के साथ सो रही थी, तभी राज उठता है और मीनू को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। मीनू सो रही थी और राज मीनू की तरफ देखते हुए खुद से बोलता है, मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन लड़की एक बोझ होती है, वो घर से पैसा लेकर जाती है लेकिन बेटा घर में पैसा लेकर आता है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकूं और तेरी शादी करवा सकूं, इसलिए आज मैं तुझे खुद से और तेरी माँ से दूर कर रहा हूँ। इतना कहकर राज मीनू को एक बड़े से कूड़ेदान में फेंक देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसी सुबह होती है वैसे ही ऋतु की नजर अपने बच्चों की तरफ जाती है, जहां वो अपनी बेटी मीनू को नहीं देखती और उसको अपने पास ना पाकर वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन मीनू उसको कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो रोते हुए राज के पास आती है और उससे बोलती है, राज मेरी बेटी मीनू नहीं मिल रही, तुम उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरी बेटी चाहिए, अगर वो नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। तुम चिंता मत करो रितु, मैं अपनी बेटी मीनू को लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और शाम को जब वो वापस आता है तब वो अपनी पत्नी रितु से बोलता है, रितु हमारी बेटी मीनू को किसी ने किडनैप कर लिया है, उसको कोई चुरा कर ले गया है और अब वो कहीं भी नहीं मिल रही है। ये सुनकर रितु पागल जैसी हो जाती है और रोते रोते अपना बुरा हाल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू कूड़े में बैठकर खेल रही थी कि तभी मीनू के ऊपर एक अमीर इंसान वैभव की नजर पड़ जाती है। उसे देखकर वो खुद से बोलता है, राम 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 राम, इस बच्चे को कूड़ेदान में किसने फेंका है, पता नहीं कौन इतना बेशरम है कि अपने बच्चे को पैदा तो कर दिया लेकिन उसे पालने की औकात नहीं रखी। मैं ऐसा करता हूं इसको अपने घर ले जाता हूं। इतना कहकर वैभव मीनू को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपने घर ले जाता है। ये देख कि वैभव 4 साल के बच्चे के साथ आया है, राधा उससे पूछती है, वैभव जी ये बच्ची किसकी है और ये आपको कहां से मिली। वैभव उसको सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर राधा अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, इस बच्ची के माँ बाप ने ही इसको कूड़े में फेंक दिया, लेकिन आज के बाद ये मेरी बेटी है, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इस तरह अब राधा मीनू को अच्छी परवरिश देने लगी और इस तरह अब वो 19 साल की हो चुकी थी। मीनू अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगी। मीनू अब एक बहुत ही अच्छी ऑफिसर बन गई, वो गांव जाकर और लोगों की मदद करती। तो वहीं दूसरी तरफ ऋतु की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई। ये सब देख राज को बहुत ही दुख हुआ और वो अफसोस करता हुआ खुद से बोलता है, काश मैंने अपनी बेटी को ना फेंका होता तो आज मेरी पत्नी इस तरह पागल ना होती। ऋतु पागलों की तरह कर रही थी, वो कभी खुद के बाल नोचती तो कभी इधर से उधर ताली मारते हुए दौड़ती। राज खुद से बोल ही रहा था कि तभी मीनू की नजर राज के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने पिता को पहचान लेती है, जिसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और उनके पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम करती है। राज थोड़ा अचंभित होता है और उससे बोलता है, बेटा तुम कौन हो। पिताजी मैं वही हूँ जिसको आपने 19 साल पहले कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत ही टूट जाता है और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है और रितु उसे सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मीनू रोने लगती है और उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो पिताजी, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं माँ को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इतना कहकर मीनू अपनी माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ याद दिलाती है, जिसके बाद रितु को सब कुछ याद आ जाता है और अब मीनू अपनी असली माँ बाप को लेकर अपने घर चली जाती है।
जिसके बाद वो अपने दोनों माँ बाप और अपने छोटे भाई के साथ खुशी से रहने लगती है। कंगनापुर गांव में शंभू अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। लीला प्रेग्नेंट थी। अपनी बीवी की प्रेगनेंसी देखकर शंभू को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और खुशी से वो अपनी पत्नी को बोलता है, अरे भगवान, तुम देखना, हमारे बच्चे एकदम दूध के जैसे गोरे गोरे होंगे। क्या जी, अब बच्चे ही तो हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बेशक वो गोरा हो या काला। क्यों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं मानता हूँ, लेकिन अगर बच्चा गोरा और सुंदर होगा तो हर इंसान उसे पूछेगा, और वहीं बच्चा अगर काला कलूटा होगा उसको कोई भी नहीं पूछेगा। अब मुझे ही देख लो, मैं काला हूँ और काले होने की वजह से मेरी माँ बाबा ने मुझे अपनी जायदाद से ही बेदखल कर दिया। लीला कुछ नहीं बोलती और लीला वहाँ से चुपचाप चली जाती है। देखते ही देखते अब 9 महीने बीत जाते हैं और लीला को अब डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद शंभू अपनी पत्नी लीला को हॉस्पिटल लेकर जाता है और कुछ समय तक शंभू ओपीडी के बाहर ही रहता है। जिसके बाद डॉक्टर बाहर आता है तब वो शंभू से कहता है, बधाई हो शंभू जी, तुम्हारे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और खुशी की बात यह है कि तुम्हारे दोनों ही लड़के हुए हैं। क्या सच में? हे भगवान, तुझे लाख लाख बधाइयां, तू जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता है। शंभू खुशी के कारण फूला नहीं समाता। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपनी पत्नी की ओपीडी में जाता है और अपने बच्चों की तरफ देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका एक बेटा तो काफी गोरा और सुंदर था लेकिन दूसरा बेटा काले रंग का था। ये सब देखकर शंभू खुद से बोलता है, हे भगवान, तूने ये कैसी लीला रची है, मुझे तो मेरे दोनों ही बच्चे गोरे चाहिए थे, लेकिन तूने तो एक बेटा मुझे चांद का टुकड़ा दे दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूसरा बेटा कोयले की खदान में से उठाकर तूने मेरी झोली में डाल दिया। उसकी ये बात सुनकर लीला बोलती है, शंभू जी, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, काले और गोरे में भेदभाव क्यों कर रहे हो तुम, आखिर ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये काला कलूटा बैंगन लूटा है। इतना कहकर शंभू गोरे वाले बेटे को अपनी गोद में उठाता है और वहां से चला जाता है। अगले 3 दिन बाद शंभू अपनी पत्नी लीला और अपने दोनों बेटों को घर लेकर आता है। अपनी पत्नी लीला और अपने गोरे वाले बेटे को वो बहुत ही प्यार करता है और उसकी देखभाल करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने काले वाले लड़के की तरफ देखता तक नहीं था। ऐसे ही अब 1.25 महीने गुजर जाते हैं। इसके बाद शंभू अपने दोनों बेटों का नामकरण करता है। एक का नाम हर्ष तो दूसरे का नाम कार्तिक रखा था। शंभू अपने बेटे हर्ष को बहुत ही ज्यादा प्यार करता, उसको हर एक चीज लाकर देता। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक उसके सामने खड़ा रहता, लेकिन शंभू उसको पूछता तक नहीं था। यह सब देखकर लीला को बहुत ही बुरा लगता और वो अपने बेटे को अपने पास बुलाकर उसको बहुत सारा प्यार करती। ऐसे ही एक बार की बात है, शंभू अपने बेटे हर्ष के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान लेकर आता है और उसे प्यार से अपने हाथों से खिला रहा था कि तभी वहां पर कार्तिक आ जाता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी, आप इतना सारा सामान लेकर आए हैं, क्या आप हर्ष की तरह मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे? अरे अरे कार्तिक, तू जाकर पोछा और झाड़ू मार दे, जब तू घर का सारा काम कराएगा तब मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा, जा जा जा। पिता का प्यार पाने की चाह में कार्तिक अब घर का सारा काम करने लगा। थोड़ी देर बाद लीला जब अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आती है तब वो देखती है कि उसका बेटा कार्तिक घर में झाड़ू पोछा कर रहा था। ये देखकर लीला कार्तिक से बोलती है, कार्तिक बेटा, तुम घर का काम क्यों कर रहे हो, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया था, उसके बाद भी तुम झाड़ू पोछा कर रहे हो, ऐसा क्यों? माँ, पिताजी आज बहुत ही स्वादिष्ट पकवान लेकर आए हैं और वो हर्ष को अपने हाथों से खिला रहे हैं। ये देखकर मेरा भी पिताजी के हाथों से खाने का मन कर रहा था, और तुम्हें पता है पिताजी ने मुझसे ये बात बोली है कि मैं जब घर का सारा काम करूंगा तब वो मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। ये सुनकर लीला को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और शंभू के ऊपर गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाती है, शंभू जी, शंभू जी, तुम ये मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? अरे मेरी प्यारी भगवान, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? शंभू, तुमने तो हद ही कर दी, एक को तुम इतना प्यार करती हो
लेकिन दूसरे बेटे के साथ तुम इस तरह से ये व्यवहार करते हो जैसे कि वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। ये कोयले की खदान है और ये मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से बेदखल क्यों किया था। तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी, इसीलिए तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान होकर उन्होंने तुम्हें खुद से ही दूर कर दिया। लीला तुम ये कैसी बात कर रही हो? आजकल की दुनिया में भी तुम काले गोरे में फर्क करते हो, लानत है तुम पर। मेरा बेटा अपने पिता का प्यार पाने के लिए तरस गया, लेकिन अपनी पत्नी के मुंह से इतनी खरी खोटी सुनकर शंभू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो बिना कुछ बोले चला जाता है। तब से वो कार्तिक से कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि शंभू कार्तिक से बात भी नहीं करता। ऐसे ही अब 15 साल बीत गए। कार्तिक और हर्ष अब 22 साल के हो चुके थे। कार्तिक और हर्ष अच्छा कमा रहे थे। एक बार शंभू अपने बेटे हर्ष के पास जाता है और उससे बोलता है, बेटा हर्ष मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बेटा क्या तुम मुझे पैसे दोगे? अरे ओ बुड्ढे, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ है जो मुंह उठाकर मेरे पास पैसे मांगने के लिए आ जाता है? हर्ष की ये बात सुनकर शंभू को बहुत ही तगड़ा झटका लगता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, लीला मैंने हर्ष को कितना प्यार दिया, उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो किसी के सामने झुक न सके, लेकिन आज उसने मेरे साथ इस तरह बर्ताव किया है जैसे कि मैं कोई भिखारी या कबाड़ी हूँ। शंभु जी, मैं तुम्हें इतने दिनों से यही समझा रही थी, दोनों लड़कों को एक समान प्यार दो, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। आज अपनी मनमर्जी का नतीजा देख लिया तुमने। लीला और शंभू आपस में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ खिड़की से ये सारी बात कार्तिक सुन लेता है और वो दौड़ा हुआ अपने माँ बाबा के पास आता है और उनसे बोलता है, माँ बाबा अभी आपका दूसरा बेटा जिंदा है, मैं आप लोगों की अच्छे से देखभाल किया करूंगा। ये सुनकर शंभू रोते हुए अपने बेटे कार्तिक से बोलता है, बेटा बेटा कार्तिक, आज तक तू पिता के प्यार के लिए तरसता रहा, लेकिन मैंने तुझे कभी भी पिता का प्यार नहीं दिया, मुझे माफ कर दे बेटा, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अपने पिता को माफी मांगता हुआ देख वो उसे माफ कर देता है और अपने बाबा का सारा खर्चा उठाकर एक साथ खुशी से रहने लगता है। इस तरह अब ना तो शंभू और लीला को कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी और ना ही कार्तिक ने उन दोनों को कभी किसी चीज की कमी छोड़ी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसान भले ही काला हो या गोरा, लेकिन इंसान का दिल साफ अच्छा होना चाहिए। इस दुनिया में लोगों को कलर से कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहिए।